ये लो, इसे भी धो देना। और आई होप कि अब तुम समझ गई होगी कि तुम इस परिवार के लिए क्या हो और तुम्हारी असली जगह क्या है और मैं इस परिवार के लिए क्या हूँ। सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, देख क्या रही हो ऐसे? कान खुले थे ना तुम्हारे बाहर जब सब मेरी तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे मैं कितनी अच्छी हूँ। एक एक वर्ड सुना था ना ध्यान से? हेलो, सुना और कुछ ऐसा भी देखा जिससे मुझे पता चला कि तुम कितनी अच्छी हो। ओह रियली? ऐसा क्या देख लिया तुमने? क्यों बताने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि शायद तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो, क्योंकि इंसान खुद से तो छुप नहीं सकता। तुम्हें जो बोलना है ना वो बोलो। ऐसा क्या देख लिया तुमने कि अभी भी ये तेवर दिखाने की हिम्मत है तुम्हें? मनीषा, मैंने तुम्हें एक आदमी के साथ देखा जो नकली नोटों की डील करता है। और अब मुझे पूरा शक है कि वो तुम ही थी जिसने असली नोटों को नकली नोटों में बदला। ये उस आदमी का विजिटिंग कार्ड है जिससे मैं मिलने गई थी। चश्मों का बिजनेस करता है जिससे क्लियरली नजर आता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, इसलिए चाहता है कि मैं उसके बिजनेस को फाइनेंस करूं। एक काम करो, तुम भी मिल लेना, चश्मे ले लेना क्लियरली देखने के लिए, और मेरा नाम लोगी तो फ्री में भी दे देगा। फ्री में तो अभी तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, प्रभु तुम ले पाओगे या नहीं ये तुम सोचो। जब पूरे घर वालों को पता चलेगा कि तुमने क्या हरकत की है, मैंने कहा ना मनीषा, मैंने देखा है तुम्हें, मैं खुद को ना बेगुनाह साबित करूंगी। आई एम सो श्योर कि उस आदमी का कुछ तो लेना देना है उस नकली नोट के बैग से जो मैंने हॉस्पिटल में दिए थे। ये जो मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, इतना गलत इल्ज़ाम लगा है ना, उसमें गलत प्रूफ करूँगी। और इस बार मैं अकेले इल्ज़ाम में शामिल नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार शामिल है। एक बार के लिए सिर्फ बात मेरी होती ना मनीषा तो मैं सोचती, लेकिन इस बार नहीं, बात मेरे दोनों परिवारों की है। और इस बार मेरा मायका, मेरा ससुराल दोनों की इज्जत गई है, और मैं अपने परिवारों की इज्जत बचाऊंगी चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर चुनौती? चुनौती नहीं, इम्तिहान। और इस बार मेरा नहीं, तुम्हारा। अच्छी रील्स करते हो तुम, नो पोफी, इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, नथिंग। अरे तुम आ गए? नजर नहीं आ रहा? ऑफ कोर्स आ गए। क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो मुझसे? कुछ नहीं हुआ, और मुझे पसंद नहीं कि तुम मुझसे इतने सवाल करो, क्योंकि मुझे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देने दो। क्यों, मैंने कुछ किया क्या? मतलब मेरी वजह से कुछ हुआ है क्या? तुम तो हमेशा करती हो, कुछ ना कुछ करती रहती हो, पर आज आज क्या किया मैंने? कुछ किया है क्या? तुम पागल हो? हाँ हूँ पागल, झेलना है तो बैठो नहीं तो जाओ। नहीं झेल सकती। अच्छा है, मैं चाहता भी हूँ कि तुम झेलो। वेट कर रही थी मैं तुम्हारा कि तुम कब घर पर आओगे और हम साथ में डिनर करेंगे, तो मैं तुम वेट कर रही थी ये
टिपिकल बीवी वाली हरकतें करना बंद कर दो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गलती से भी मत सोचना कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरा वेट किया, नहीं लगा अच्छा। जाओ खाना खाओ। वैसे भी तुमने समझा तो गलत ही, नहीं सुना सही लेकिन समझा गलत, क्योंकि पूरा तो सुना नहीं। मैं तुम्हारा वेट इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि कल मैं माँ से मिलने जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि हम साथ में बैठ के डिनर करें, वो तो मैं खुद खाने जा रही हूँ। तो तुम खाने के लिए वेट नहीं कर रही थी? हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ खाना खाने का। घर पड़ा है, लोग भी बहुत है, रिश्ते भी बहुत है, लेकिन खाना अकेले। घर भी बड़ा है, रिश्ते भी बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं, पर खाना अकेले। अरे नहीं, मैं खाऊंगा ना, बताओ क्या है। तुम मेरे साथ खाओगे? हाँ क्यों, आप किसी को साथ खाना नहीं खाने देती क्या? छीन लेती हो क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे लगा कि जाने दो। भाभी एक बात बोलो, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि आप मेरी भाभी भी हो और दोस्त भी हो, टू इन वन। यार आप ऐसे सैड सैड में अच्छी नहीं लगती, हंसती हो अच्छी लगती हो। नहीं सैड नहीं हूँ मैं, बिल्कुल उदास नहीं। अच्छा, मतलब घर में सब मुझे स्टूपिड बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टूपिड हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा चलो मान लिया कि आप सैड नहीं हो, पर यार मैंने कहा ना हम दोनों दोस्त हैं, तो आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, खुल के बताओ हुआ क्या है। पक्का किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस, सीक्रेट, बोलो ना यार। पानी पी लो आप पहले। से काम नहीं चलेगा, बताओ क्या हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया यू, पता नहीं यहाँ पे। अभी मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूँ आपको, and I trust you। और आरवी, मुझे लगा था आरवी मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि उसी ने मेरी बेल करवाई ना। भाभी एक्चुअली भाई ना बहुत भोलू टाइप का है, बहुत सीधा टाइप का है, वो दूसरों की बातें ज्यादा सुनता है, और जब दूसरे बोलते हैं ना तो वो बातें उसके दिमाग में फौरन प्रभाव डाल देती हैं। ओह इतनी अच्छी हिंदी, शुद्ध हिंदी, वाह यार। आप प्रभाव का मतलब समझी ना, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, दिमाग पे असर डालते हैं। खैर मजाक नहीं, मैं बोल रहा था कि भाई जो है ना वो ना दूसरों की बातों से ना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, और भाभी जब फैमिली की बात होती है ना तो भाई दिमाग की कम दिल की ज्यादा सुनता है। मैं जानता हूँ ना उसको इतने सालों से, पर वो दिल का बुरा नहीं है, बहुत स्मार्ट है मेरा भाई। बस आप थोड़ा टाइम दो, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। एंड भाभी आपको एक सबसे मजे की बात बताऊँ, इस घर के जो लोग हैं ना वो थोड़ा टाइम होते हैं मिक्स होने के लिए, लेकिन अगर एक बार वो आपको अपना बना लेते हैं ना तो फिर तो लाइफ टाइम के लिए बना लेते हैं। आई गारंटी यू सब ठीक होगा। नाउ स्माइल। अच्छा हाई फाइव दो एक। अरे हाई फाइव दो ना यार। अच्छा एक बात बताओ, आपके वो घर में सब कैसे हैं? ये घर भी आपका है, पर वो आपके पुराने वाले घर में सब कैसे हैं? पता नहीं, मैं अभी तक मिलने नहीं जा पाई। क्यों? अरे तो जाओ ना, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। जाओगे ना? अभी यार आप फिर वही सोचने लग गई। चलो खाना खाते हैं, छोड़ो ये सब, चलो बताओ क्या है। अरे दाल चावल लोगे तुम? नहीं, ये सब्जी कौन सी है? पनीर की। भाभी आई लव पनीर। ये आपने बनाया? As always।
गॉड, तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? मैंने क्या किया? जो किया तुमने किया। मैंने किया? मैं क्यों कुछ करूंगी? यहाँ कौन आया? तुम आई ना, तो गलती तुम्हारी है। नहीं, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने ऐसे दरवाजा खोल कर रखा था। दरवाजा खुला रहेगा तो कोई भी अंदर नहीं आ जाएगा। हाँ तो आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर के लोग हैं। हाँ तो मैं भी घर की हूँ, इनफैक्ट मैं तो घर वाली हूँ, बट स्टिल ऐसे कौन करता है? मैं करता क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम रूम बदल सकती हो। रियली? हाँ, क्या ऐसे क्या दिख रही हो? हाँ, मैंने कॉन्शियस कर दिया क्या तुम्हें? इस सब फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, समझे तुम? मुझे अपना काम करने दो और तुम भी अपना काम करो प्लीज। वैसे भी तुम मेरा बहुत दिमाग खराब करते हो। जा रहा हूं मैं। अरविंद, तुम्हारा वॉलेट। अरविंद, तुम्हारा वॉलेट। एक मिनट, तुम नाराज हो मुझसे? तुम इतनी खास नहीं हो कि मैं तुमसे नाराज रहूं। खास तो तुम भी नहीं। हाँ तो? तो? ओके, कूल। कूल देन। अरे, पूर्वी, क्या? एक सेकेंड। अरे, क्या? एक सेकेंड। क्या ये? क्या है? मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम्हारा वॉलेट है, तुम खुद लेकर जाओ, मैं क्यों हेल्प करूं तुम्हारी? अच्छा, अभी जो तुमने कहा है ना, इसको याद रखना क्योंकि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूं। डेट फॉर डैट। लेकिन तुम भी याद रखो कि मेरी भी एक बुरी आदत है कि सामने वाले की बुरी आदत का मैं बहुत सही जवाब देती हूँ। We'll see. भाई, अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? अरे गुस्से में नहीं हूँ, इरिटेशन हो रही है मुझे। ये लड़की, ये पूर्वी, ये ना मेरे भेजे में घुस गई है, दिमाग खराब कर रही है मेरा। कर दिया ना खराब। ब्रो, तेरी गाड़ी अब सही ट्रैक पे जा रही है। मतलब? मतलब भाई, दिस इज लव, ये प्यार है। प्यार ऐसे होता है, पहले टकरार, फिर लव, फिर प्यार, फिर खूबसूरत प्यार। ब्रो, दिस इज लव, ये तू पागल हो गया क्या? भाई पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया प्यार में पागल। तू मेरे साथ नहीं आएगा, सुना तूने? मैं तुझे लिफ्ट नहीं दूंगा, चल निकल, तू अकेले ऑफिस आएगा। अरे मेरे साथ नहीं आएगा। अरे भाई रुक तो, अरे प्यार में इतना पागल हो गया, अपने भाई को छोड़ देगा क्या? रुक। घर जा रही हूं। सा कलर पहनू? ये कलर पहनूंगी, ये मेरा भी फेवरेट है, माँ का भी फेवरेट है। आजा बैठ। तू ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक हूँ। कैसी लग रही हो? ठीक लग रही हूँ ना? हाँ, पर तूने बताया नहीं ना, अचानक आ गई, तुम सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस मेरा मन कर गया, अच्छा लगा कि मुझे सबसे मिलना है तो मैं आ गई। ओ पुत्र, बहुत चंगा किताब। अरे मैं तो कहता हूँ तू ऐसे ही थोड़े थोड़े दिन में आती रहा कर, अपनी लाडो को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी लगता है कि तू यही है मेरे पास, मैं ऐसे भी हमेशा आपके पास। वो तो है। अब अच्छा मुझे बता, तूने कुछ खाया है? हाँ खाया। हाँ यही बोलती हमेशा, मुझे पता है कुछ नहीं खाया। तू यही बैठ, मैं चाय बनाती हूँ अदरक वाली, और लड्डू भी बनाया ना कल, वो भी लेके आती हूँ, ठीक है? और नहीं माँ, मुझे आपसे बात करनी है, टाइम स्पेंड करना है, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब बस बैठ के बातें करो। अरे लाने दे पुत्र, लाने दे, तेरे बहाने हमें भी एक कप चाय पीने का मौका मिल जाएगा। प्राची के हाथ की चाय का तो जवाब ही नहीं है। बस बस, तारीफ नहीं मिलेगी आपको भी चाय, मैं अभी आई, तू बैठ, आती हूँ, ठीक है? आपके लिए भी लाती हूँ। हाँ प्राची चाय बनाने गई है, मैं ना तेरे लिए बिस्किट लेकर आता हूँ। क्या कि अभी शिफ्ट किया है ना, तो सामान इधर उधर होगा, मैं लेकर आता बिस्किट। हैं ठीक है।
कैसी पुत्र? ठीक। सामान इधर उधर नहीं हुआ है, अलग से मैं से कुछ भी खरीदना बंद करती। हर कोई एक एक पैसा बचा रहा है और इतनी तंगी के बावजूद आज तक हमने किसी से एक पैसा नहीं मांगा कभी, तो फिर तेरे ससुराल वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे? हम पूर्वी इसलिए कि अब हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए कि हम गरीब हैं, उनकी तरह अमीर नहीं है। बड़ी बाप, क्या हुआ ऐसा जो मुझे नहीं पता है? मेरी माँ गई थी ना तेरे ससुराल, वो इस बात से खुश नहीं थे, खासकर तेरी सास, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो तुझसे मिले। ये बोलकर वापस भेज रही थी कि रात ज्यादा हो गई, अब अपनी बेटी से मिलने के लिए रात हो गई। वो तो आरवी आया जो उसे अंदर ले गया तुझसे मिलवाने के लिए, और तो और पुत्र उन्हें शक है कि वो नकली नोट्स तूने थी है। चाय बन गई, क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं, चाय देना, बैठ लो। आप चाय दो ना माँ। पूर्वी कुछ नहीं, पापा कहाँ गए? वो ले पुत्र, ये बिस्किट प्लेट में डाल के दे। धादू प्लेट में क्यों? मेहमान नहीं हूँ मैं, आपकी पूर्वी हूँ, वैसे ही खाऊंगी जैसे पहले खाती थी। माँ दो, आपकी भी चाय। बुआ जी चाय? हाँ। यस मिस्टर छाबरा, मैं आपको सारी डिटेल्स मेल में फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, और फिर जब आपको पूर्वी, मिस्टर छाबरा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके, आई कॉल यू बैक। गर्मी हो रही है फिर भी कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? यहाँ क्या कर रही हो? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ मतलब मैं माँ से मिलने गई थी, लेकिन अब घर ही जा रही हूँ। हाँ तो ऑटो क्यों देख रही थी? घर पे इतनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ी लेके आ जाती। एनीवे चलो बैठो। वेट कर रही थी मैं तुम्हारा कि तुम कब घर पर आओगे और हम साथ में डिनर करेंगे। ये टिपिकल बीवी वाली हरकतें करना बंद कर दो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गलती से ये बात सोचना कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरा वेट किया। तुम्हें दौरे चढ़ते हैं? दौरे? मुझे? हाँ मतलब कभी अच्छे होने के कभी बुरे होने के। नहीं लेकिन अच्छा होता कि तुम्हें दौरे चढ़ते, फिर तुम्हें शायद बात करने का तरीका समझ आता। अभी बकवास बंद करो और चलो। नो थैंक्स। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठना, क्योंकि मुझे अपनी आदत नहीं बिगाड़नी। आज मैं बैठ जाऊंगी और फिर कल अगर तुम्हारी गाड़ी दिखेगी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी, लेकिन नहीं, तुम तो लिफ्ट दोगे नहीं, तुम तो गाड़ी लेकर चले जाओगे। एक्सक्यूज मी, मैं चला जाऊंगा। हाँ क्योंकि तुम ऐसे ही हो, एक पल में अच्छे एक पल में बुरे, दिमाग खराब करके रखा है तुमने मेरा, एकदम कंफ्यूज करके रखा है। तुम्हारे यहाँ बेटियाँ जब ससुराल से मायके आती हैं तो करेले का जूस पिलाते हैं क्या घर वाले? नहीं बहुत कड़वा बोल रही हो। वैसे ठीक बात है, आदत नहीं बिगड़नी चाहिए ना, तो आदत ना बिगड़े इसमें मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आदत नहीं बिगड़नी चाहिए, बाय। आदत नहीं बिगाड़नी है तो मत बिगाड़ो, जब धूप में जलोगी ना और जब तबीयत खराब होगी तब समझ आएगा। क्या अजीब है, मतलब मैं बात करने का कोई तरीका नहीं, बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता और सिर्फ मुझसे ही नहीं करता। क्यों भाई मेरे साथ क्यों इतना एटीट्यूड? जब अच्छा रहता है तो ऐसा लगता है वाओ, लेकिन जब बुरा रहता है तो ऐसा लगता है तो मैं ही हूँ बस। तीन तीन लेटर दिए मैंने इसको थैंक यू के, सारे के सारे वापस लूंगी।
करनी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं बात करनी तुमसे। ए मेरे पैसे। ऐसे कैसे बात कर सकती है मुझसे? और खुद को क्या समझती है? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा इसको। Look!